एक दिन महाप्रभु जी चिंतित बैठे हुए, हरदास ठाकुर ने पूछा, भगवान क्या हुआ? बोले, देखो भक्त लोग तो श्री ठाकुर जी का नाम ले लेते हैं, कल्याण हो जाता है, पर जो बेचारे बहिर्मुख हैं, यवन हैं, इनके भाग्य में नहीं कि इनके मुँह से नाम निकल जाए, इनका कल्याण कैसे हो? हरदास ठाकुर भौचक्के रहे, महाप्रभु जी की उन यवन आदि जातियों पर भी ऐसी करुणा? तो हरदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, ये तो राम नाम का प्रभाव है। भक्त प्रेम में हाराम हाराम कहेंगे और ये यवन लोग गुस्से में हराम हराम कहेंगे। राम नाम तो हाराम में भी और हराम में भी है। वे प्रेम में हाराम कहेंगे तो उनका कल्याण, और ये यवन गाली देते हुए हराम कहेंगे तो इनका भी कल्याण। उनके लिए चिंतित है, इनका कल्याण कैसे हो? ऐसे गुण जिन भक्तों के अंदर हैं, वही वास्तव में शरण लेने योग्य हैं, वे ही आश्रय लेने योग्य हैं। आगे श्री देवहूति मैया ने भक्ति का स्वरूप पूछा है, अनिमित्ता भक्ति का क्या लक्षण है? श्री भगवान ने देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तुया। मन का श्री ठाकुर जी में स्वाभाविक रूप से लग जाना ही भक्ति है। भक्ति को स्वाभाविक, देखो दो प्रकार की भक्ति, एक साधन भक्ति, एक सिद्धा भक्ति। साधन भक्ति यत्न प्रधान भक्ति है, उसमें यत्न करना पड़ेगा, लेकिन वह यत्न जब परिपाक अवस्था पर पहुंच जाएगा तो वही भक्ति सिद्धावस्था में परिणत हो जाएगी। जैसे साधन अवस्था में मन लगाना पड़ता है, अभी तो रोज हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं और अभी और करेंगे, जितने भी दिन शेष हैं आप प्रभात फेरी में आए, नाम संकीर्तन में आए, ये सही बात है। 10 दिन आप आइए, 20 दिन आप आइए, ये साधन भक्ति धीरे धीरे ऐसी अवस्था में परिणत हो जाएगी, फिर आप स्वयं आए बिना नहीं रहेंगे। और ये बात झूठी नहीं है, जहाँ जहाँ प्रभात फेरियाँ चल रही हैं, आज भी पटियाला से इतनी दूर से लोग, वैष्णव लोग आए हैं, ऐसी सुंदर प्रभात फेरी वहाँ चल रही है, सैकड़ों भक्त और नियमित रूप से जाते हैं, नियमित रूप से। एक दिन कोई फेरी में ना जाए, जैसे प्राण बन गया प्रभात फेरी में जाना, एक दिन प्रभात फेरी में ना आवे तो चित्त व्याकुल हो जाता है। सब जगह की ये स्थिति है, पर आना तो कम से कम आरंभ करिए। साधन भक्ति का मतलब अभी स्वभाव बना नहीं है, लेकिन बनाने के लिए जो यत्न है वही साधन भक्ति है। हम आना आरंभ करें, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, फिर वो एक ऐसी निरंतरता, एक ऐसी नियमितता बन जाएगी कि फिर आप स्वयं आए बिना रह नहीं पाओगे। 10-20 मिनट की बात है, आप बहुत समय नहीं दे सकते, 10 मिनट का समय दें, 20 मिनट का समय दें, लेकिन अवश्य आएं। ये स्वाभाविक ही भक्ति कपिल भगवान ने कही है, सत्व एवैक मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तुया। स्वाभाविक वृत्ति का नाम ही सिद्धा भक्ति है। स्वभाव भक्ति में बन जाए, स्वभाव ही भक्ति में बन जाए। और भैया, हम लोग, आप लोग सब सद्भाग्यशाली हैं, इस भयंकर कराल कलिकाल में हम लोगों को जन्म मिला है, किंतु ठाकुर जी की कृपा है, ऐसे समय में भी हम लोगों को भगवान का नाम का महात्म्य सुनने का मौका मिल रहा है। एक सुंदर माध्यम अपने आप चला हुआ है, प्रभात फेरी नगर संकीर्तन, केवल स्वयं को सम्मिलित करना है। कितनी जगह बृहन्नारदीय पुराण का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसका बड़ा सुंदर व्याख्या श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने की है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में श्री कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में आए हैं। दार्ढ्य लागी हरेर नाम उक्ति 3 बार और जड़ लोक बुझाई ते पुनः एवकार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, देखो जड़ बुद्धि के अंदर भी नाम के प्रति आस्था पैदा हो जाए, इसलिए हरिनाम के लिए त्रिवाचा भरा है पुराणों ने, शास्त्रों ने, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, यानी हरि नाम ही, हरि नाम ही और हरि नाम ही।
तीन बार कहा, किसके लिए दाढ़ लागी हरेर नाम उक्ति तीन बार, जड़ लोक बुझाई ते पुनः एवकार। तीन बार हरि नाम का उच्चारण किया और हरि नाम के बाद एव शब्द का योजन और किया, एव शब्द और लगा दिया। एव शब्द का मतलब संस्कृत में होता ही, यानी हरि नाम से ही कल्याण होगा, हरि नाम से ही कल्याण होगा, हरि नाम से ही कल्याण होगा। लेकिन फिर भी कोई अश्रद्धालु श्रद्धा न पैदा कर सके तो केवल शब्दे पुनरपि निश्चय करण, ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारण, फिर हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, फिर केवल शब्द का संयोजन और कर दिया, यानी केवल हरि नाम ही, केवल हरि नाम ही, केवल हरि नाम ही कल्याण करेगा। ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारण, केवल से मतलब न ज्ञान से कल्याण होगा, न कर्म से कल्याण होगा, न तप से कल्याण होगा, केवल हरि नाम से ही कल्याण होगा। कितना स्पष्ट शब्दों में शास्त्रों ने कहा है। अब ये सुन के भी यदि समझ में ना आए, 10-20 मिनट का योगदान हम नगर संकीर्तन में न कर सकें। अन्यथा जे माने तार नाहिक निस्तार, और नाही 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 तीन उक्त एवकार। इसके बाद जो व्यक्ति शास्त्र की इस आज्ञा की अवज्ञा करता है, पहली बात तो उसका उद्धार कभी संभव नहीं है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए नास्तेव 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 भी तीन बार कह दिया। इसके बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसका उद्धार संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना स्पष्ट रूप से शास्त्रों ने घोषणा की है। इसलिए कलिकाल में ही नहीं भैया, नाम के विषय में तो गोसाई जी महाराज ने कहा है, चहुं युग चहुं श्रुत नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में भगवान नाम का डंका बजता है। शास्त्रों ने बताया है सतयुग का कीर्तन कौन सा है, नारायण परावेदा नारायण पराक्षरा नारायण परामुक्ति नारायण परागति। सतयुग में इस तरह से भगवान नारायण का लोग भगवान कीर्तन करते हैं। त्रेता युग में राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन। और द्वापर में लोग कीर्तन करते हैं कैसे, हरे मुरारे मधु कैट भारे, हरे मुरारे मधु कैट भारे, गोपाल गोविंदा मुकुंद शौरे, गोपाल गोविंदा मुकुंद शौरे, हरे मुरारी मधु कैट भारे, हरे मुरारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
जपन श्रोत्रिन पुनाति च। एक स्थान पर बैठकर नाम कीर्तन करने की अपेक्षा नगर में घूमते हुए नाम संकीर्तन करने का 100 गुना अधिक फल है, क्योंकि उससे अनंतानंद जीवाणु परमाणुओं को नाम से संयोग प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, नाम श्रवण का लाभ मिलता है। इसलिए आप कहीं सोचें कि घर में बैठ के भी तो कीर्तन हो सकता है, गली गली घूमने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, शास्त्रों ने कहा है, शत गुणाधिक, 100 गुनी अधिक महिमा है, थोड़ी बहुत नहीं। उपांशु जब की अपेक्षा नाम संकीर्तन उच्च स्वर से किए हुए नाम संकीर्तन की 100 गुनी अधिक महिमा है, शत गुणाधिक। इसलिए भैया आप सबसे प्रार्थना है, जरूर प्रभात फेरी में आया करो। बांके बिहारी जी के मंदिर से प्रातः 5:30 बजे प्रभात फेरी का कार्यक्रम होता है, वर्षों से प्रभात फेरी चल रही है। 10-20 मिनट अपने समय का योगदान करिए और अपने जीवन को धन्य करिए। आज की कथा को यहीं विश्राम। और दूसरी प्रार्थना आप लोगों से यह है, और 5 दिन शेष हैं, आप लोग कथा में कृपा करके समय से पधारा करिए। आज हम लोग यहाँ आए तो यहाँ कोई नहीं था, तो हम लोग तो समय से कथा शुरू कर देंगे, कोई नहीं तो